जय माता दी। कैसे हैं आप सर? 17 अक्टूबर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारे नवरात्र शुरू होने वाले हैं। माता रानी के दिन आने वाले हैं और अभी ये पूरा साल जिस तरह से हम सबके लिए परेशानियों भरा रहा है, तो कहीं ना कहीं माता रानी आएंगी और हमें हमारी परेशानियों को ख़त्म ज़रूर करेंगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में छोटी से छोटी चीज़ क्या क्या होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो नवरात्रि पूजन में घट स्थापना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी मानी गई है। हम कोई भी पूजन करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हमें घट स्थापना, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, हमारे जो पंडित जी आते हैं पूजा करने के लिए, वो भी सबसे पहले आपने देखा होगा कि घट स्थापना करवाते हैं। तो वैसा करवाते क्यों हैं, घट स्थापना ज़रूरी क्यों होती है? मिट्टी का मटका जो बुध का कारक होता है, जिसमें कि हम जल डालते हैं, जिसमें हम अन्न डालते हैं, जिसमें हम रुपये पैसे जो भी खजाना होता है, चाहे चांदी का सिक्का हो या सोने का हो, नहीं है तो आप एक का सिक्का डालते हैं, तो जो चीज़ें हमें ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हम उस घट स्थापना में रखते हैं। क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने के लिए हम उस घट स्थापना को कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने ईष्ट के सामने साक्षी मानकर उस घट के अंदर हमने जो जो चीज़ें डाली हैं, हमारे घर में सदैव उसकी संपन्नता बनी रहे। इसलिए नवरात्रों में भी घट स्थापना का एक अपना ही योग माना जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो घट स्थापना कैसे करनी है? एक मिट्टी का मटका लेना है, उसमें हमको पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और फिर जल मिलाना है। उसके बाद हमें थोड़े से चावल, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और एक का सिक्का, चांदी का सिक्का है तो वो डाल सकते हैं, गोल्ड का सिक्का है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक का कॉइन वो डाल दीजिए। और इसके ऊपर आपने जो श्रीफल रखेंगे आप, उस श्रीफल में लाल रंग का कपड़ा ज़रूर लपेटिए। कभी भी श्रीफल खाली कलावा लपेटकर अगर हम रखते हैं तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है कि भाई कपड़ा नहीं लाए हैं तो हमने ऐसे ही रख दिया है। लेकिन कोशिश करिए कि श्रीफल आप जब भी रखें तो उसको पूरा कवर करके रखें, वो दिखना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर कलावे से 3 राउंड लगा करके वो श्रीफल रखें और 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते ज़रूर रखें, क्योंकि आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, ये गुरु और बुध ग्रह का कारक होता है। तो जब गुरु और बुध हम साथ में मिला लेते हैं, इससे हमारे घर में जो एक शुक्र की संपन्नता बनती है, जो हमारे घर में हमारे लिए समृद्धि लाने का काम करती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो घट स्थापना में हमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ में घट स्थापना करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि घट जो आप रखते हैं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं। कलावे से या मोली से घट का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे 3 राउंड लगा करके वहाँ पे भी उसको बांधें, क्योंकि इस तरह आप पंच देवी देवता या सप्त देवी देवता जो भी आप उसमें डालते हैं उसके हिसाब से आप उनको बांध देते हैं। और जब भी आप घट स्थापना, आपकी पूजा पूरी हो जाती है और आप घट जो घट होता है जब उसको आप जल प्रवाह करते हैं तो हमेशा उसको खोल कर करना चाहिए। अब घट रखना कहाँ पे है? जब भी आप पूजा करें तो माता रानी के दाईं तरफ हमेशा घट रखिए और नहीं तो बीच में, सामने बीच में घट रखिए। कभी भी बाईं तरफ घट नहीं होना चाहिए, माता रानी के बाईं तरफ घट की स्थापना नहीं करनी है। जब भी करें दाईं तरफ करें या सामने बीच में करें, लेकिन कभी भी बाएं तरफ घट की स्थापना नहीं करें, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और क्योंकि जल सूखने लगता है तो कभी कभार लोग नारियल हटाकर पानी डाल देते हैं, ऐसी भी कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जल सूख रहा है तो आप नारियल के ऊपर से ही किसी और पात्र में जल लेकर के नारियल के ऊपर से ही आप धीरे धीरे डालना शुरू करिए तो वो नारियल के कपड़े के ज़रिए ही अंदर चला जाएगा। लेकिन जब एक बार आप किसी चीज़ को स्थापित कर देते हैं तो कभी भी उसको बीच में हिलाना नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए,
इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और इसके साथ में कलश का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं और अक्सर गलती करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अष्टमी पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नौमी पूछते हैं। अगर आप अष्टमी भी पूछते हैं तो पूरे 9 दिन कलश को रखा रहने दीजिए, दसवीं वाले दिन ही आपको कलश को हटाना है, माता की चौकी को हटाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप अष्टमी पूज लेते हैं तो आपको नौमी पूजा नहीं करनी है, या आपने अष्टमी पूजी और आप उसी दिन चौकी को हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप 9 दिन फास्ट रखते हैं तो कोशिश करिए कि आप 9 के 9 दिन छोटा सा हवन करें, नहीं तो आप नौमी वाले दिन ज़रूर हवन करें। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो नौमी वाले दिन हवन करेंगे, और नौमी पूजते हैं तो कन्या पूजन करने के बाद हवन करेंगे। कुछ लोगों की क्वेरीज होती है कि हवन पहले करना है या बाद में करना है। देखिए, किसी भी पूजा पाठ का हवन हम जब करते हैं तो वो हमारी आखिरी अंतिम आहुति होती है उस ईष्ट के लिए, जिस ईष्ट के लिए हमने पूजा रखी है। तो नवरात्रों में जब भी आपका फास्ट कंप्लीट हो जाए, आप कंजक पूजन कर लें, उसके बाद ही आपको हवन करना है। और कंजक पूजन, क्योंकि इस बार कोविड है, पॉसिबल नहीं है, तो उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कंजक पूजन कैसे कर सकते हैं, सेम उसी तरह आप कोशिश करिए। अभी तो खैर आना जाना शुरू हो चुका है, तो जो स्ट्रीट पे जो आपको छोटी कन्याएं मिलें, आप उनको ज़रूर खाने को सामान दीजिए। अगर व्रत रखा है तो खाली मत जाने दीजिए, घर से बाहर निकलकर जो भी, अगर एक कन्या भी मिलती है ना, तो आप समझिएगा कि वो 9 कन्या का रूप है और आपने उसको खिला दिया। तो किसी ज़िद बहस में कि नहीं हमें तो 9 कन्या को ही खिलाना है या 11 कन्या को ही खिलाना है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन कोशिश करिए कि एक छोटी कन्या भी अगर आपको मिल जाए आपके पड़ोस में, तो आप उसको खिलाकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए, तो भी आपका पूजन संपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि परिस्थितियों को देखकर ही हमें काम करना ठीक रहता है। जिद बहस में आकर काम करने से हमारे काम सफल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें बिगड़ती ज़रूर हैं। तो आगे मैं आपको घट स्थापना का मुहूर्त भी बता रही हूँ, घट स्थापना का मुहूर्त कब है, तो आप उसी टाइम पर घट स्थापना करिए। और इन नवरात्रों में जुड़े रहिए एस्ट्रो एडवाइस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैं आपको रोज़ एक खास उपाय बताऊंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट से मुझे याद आ गया, यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई है जिस वजह से कमेंट ऑटो टर्न ऑफ हो चुके हैं, वो हमारी साइट से नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर वीडियो आपके जो वीडियोस हम डाल रहे हैं, वो वीडियोस अगर बच्चों के लिए है ऐसा ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो कमेंट्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो आप मुझे info@astroadvice.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कर या मैसेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए भी आप सेम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस की अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हैं। जय माता दी।